नमस्कार, आप देख रहे हैं SKS न्यूज और आपके साथ मैं हूं आकृति सहयोगी। फिरोजाबाद के हिमायूपुर दादू नगर निवासी संजय उर्फ संजू पुत्र छोटे लाल का 4 दिन बाद शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र के हिमाऊपुर दादू नगर निवासी संजय उर्फ संजू पुत्र छोटे लाल का 4 दिन बाद हुआ शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महापौर अनुत राठौर पहुंचे अस्पताल और ली जानकारी और आश्वासन दिया कि आपकी पूर्ण मदद की जाएगी। परिजन का आरोप है कि पड़ोस के व्यक्ति विजेश से दूध के रुपए मांगने को लेकर झगड़ा हो गया था। उसके बाद उसने आकर के कम मेरे पुत्र संजय को ले गया और उसके बाद हमें संजय की डूबने की सूचना मिली। परिजनों का आरोप है कि यह एक हत्या है। परिजन ने एक भी आरोप लगाया है, इसमें पुलिस प्रशासन उनके प्रति कार्रवाई करने को कतरा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? परिजनों ने थाना दक्षिण क्षेत्र स्वाग नगर चौकी इंचार्ज संजय सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह और उनके स्टाफ कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट, SKS न्यूज। लोना का नाम मुझे का नाम विकास ने पिताजी का नाम भैया संजय को मारा था इन्होंने। सब इकट्ठे है कहीं हम लोग कोई है नहीं था, कोई वहाँ पर नहीं था। वहाँ के लोगों ने देखा, हमें सूचना दी। वहाँ के लोगों ने देखा, उन्होंने हमें सूचना दी कि तो आपका लड़का उन्होंने मारा है, खींच कर ले गए। कितने दिन बाद बॉडी बरामद हुई है? चार दिन बाद। यहाँ पर जो मेयर आई थी, क्या आश्वासन दिया उन्होंने, क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने पूरा सहयोग देने की तीन दिन पहले की ये मट्टी आपको यहाँ पर मिली, क्या आश्वासन दिया गया है लोगों को जो कि उनके प्रति कार्रवाई की जाए जो दोषी हैं? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है ये, हिमायूपुर क्षेत्र की घटना है। 18 साल का बच्चा है संजय राठौर, जिसकी बॉडी मिली है पानी में, और लगभग 3-4 दिन पहले ये जो हादसा हुआ था, इसकी जो खबर मिली थी, लगातार हमारी नज़र बनी रही थी इस पर और लगातार SSP और DM मैडम से भी बात चल रही थी। आगे जो परिवार को आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह से इस मामले की जांच करी जाए, और अभी DM मैडम से भी बात हुई है कि जो भी दोषी है या क्या चीज़ हुई है, घटना में क्या रहा जो अभी पता नहीं चल पा रहा है, तो उसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी और जो भी निकल के आता है, अगर कोई दोषी भी है इस मामले में, तो उसको सजा दी जाएगी। सुहाग नगर चौकी इंचार्ज जो उनको संजय सिंह जो गोलमोल कर रहे हैं, इनकी पूरी बात को सच्चाई के रूप में नहीं दिखा रहे हैं, इसमें क्या कहना है? ठीक है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई इस बात को दबा रहा है तो